राजस्थान में मचे घमासान के बाद सीएम गहलोत ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के विधायक डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे या नहीं, ये फैसला सोनिया गांधी को करना है। इस बीच गहलोत ने राजस्थान में हुई बगावत को लेकर आलाकमान तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। मीडिया के सवालों के जवाब में गहलोत ने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं और आलाकमान को आगे फैसला करना है। हमारी मोहर जी है कि हम कैसे राजस्थान जनता का दिल जीते हैं, इस बार सरकार रिपीट कर रहा है। उसके लिए हम कुछ भी करने के तैयार है, ये हमारी भावना है, तभी कांग्रेस वापस मजबूत बनेगी। और ये बात मैं मैडम को भी, अजय माकन जी को मैं अगस्त में कह दी थी कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं कोई जरूरी नहीं, मैं विड्रो कर सकता हूं। आप सजे कर रहे हैं सब लोग और लगे भाई इस प्रकार हम सरकार बना सकते हैं, मैं पूरा सहयोग। पायलट की बगावत का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, मैंने पहली बार माफी मांगी है, मोदी सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि कैसे सरकार गिरा दे। मैं चाहता हूं कि सरकार बने हमारी, वो हमारे सबका ध्येय होना चाहिए कि हम सरकार सब मिलके बनाए अभी, और अभी वही सच्चा कांग्रेस माना जाएगा। ये आज संकट की घड़ी है कांग्रेस के सामने भी, आजादी के बाद में ऐसा वक्त पहली बार कांग्रेस सामने आया जो लगभग 8-7 हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि देश को बचाने के लिए देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जान दे दी अपनी,